कहा जाता है कि फिल्में जो होती हैं वो हमारे समाज का आईना होती हैं, तो 1970 के दशक का आईना अगर हम मान के चलें तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की फिल्में जो हैं वो एक लार्जर देन लाइफ आईना, एक ऐसा आईना जो कि हर चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखा रहा था, वो थी। नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज साउथ के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि भारतवर्ष के हर कोने में अपना डंका बजा चुका है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट आप चले जाएं, चाहे आप केरला के गांव में चले जाएं, चाहे आप तमिलनाडु तेलुगु देशों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन के बारे में जानता है। और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन का इन्फ्लुएंस जो है हर जनरेशन के एक्टर में पड़ा है आने वाले, और अमिताभ बच्चन जिस तरह की फिल्मों को लेकर के आगे बढ़े उसके चलते जो फिल्में बन रही थी हिंदुस्तान में उनका भी मैार बदल गया था। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई KGF, और हमने जब देखा उसके हीरो के बारे में जब सोचने आप बैठिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है एक बहुत गहन स्टडी की गई है अमिताभ बच्चन के रोल्स को लेकर के। अगर आप याद करें वो सीन जहां पर कि ये लटके हुए हैं जंजीर से और वेट कर रहे हैं कि कहां पर विलन जो है आता है इनके पास, और उसके बाद जो है वो वहां पे विध्वंस शुरू करते हैं, ये सीन आपको याद दिलाएगा कुछ कुछ दीवार का, जहां पर कि अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलते हैं कि तुम मुझे वहां ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था। ये इस किस्म का जो एक पैरेलल जो क्रिएट होता है ये आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि कहीं ना कहीं KGF का चैप्टर 1 एटलीस्ट जो था उसमें अमिताभ बच्चन के किरदार को कहीं ना कहीं जीने की कोशिश की गई है रॉकी के थ्रू, अमिताभ बच्चन के जो अलग अलग विजय के किरदार हुआ करते थे उस जमाने के। और ये मेरे ख्याल से आप अगर स्टडी कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आप ये मानते हैं कि KGF में कहीं ना कहीं एक अमिताभ बच्चन की छवि देखने के लिए मिल रही है रॉकी भाई के अंदर, और आप KGF चैप्टर 2 को लेकर के कितना ज़्यादा उत्साहित हैं देखने के लिए, ये आप लिख बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।